नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनु जी आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का ये सवाल आया है कि श्री नारायण को जो है क्या धुना धूप किया जा सकता है या नहीं, यानी कि साल निर्यास जो धुना धूप है, सूर्य धूप है, सूर्य धूप वो किया जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुझे कालिका पुराण के विषय को लेकर जो है पूछा है, तो मैं आप लोगों को कालिका पुराण के उस विषय की उदाहरण देकर ही जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कालिका पुराण में जो विषय कहा गया है उसके विषय में अगर आप देखें तो वहाँ पर कहा गया है कि यक्ष धूप के विषय में कहा गया है, जैसे न यक्ष धूप वितरेण माधवाय कदाचन, न यक्ष धूप वितरेण माधवाय कदाचन। यक्ष धूप के बारे में कहा गया है, यहाँ पर सूर्य धूप आदि देने के लिए मना नहीं किया गया है। यक्ष धूप, अब साल के जो निर्यास होते हैं, साल के निर्यास बहुत तरह के होते हैं। जो उत्तम वाले जो राल होते हैं उसे सूर्य धूप कहा जाता है। उसके साथ जो है मंद धूप यानी काले भूरे वाले राल भी मिलते हैं। काले वाले जो एक्चुअली राल मिलते हैं वो होता है दोस्तों, वो मंद धूप होता है। मंद धूप कभी भी जो है श्री नारायण को नहीं करना चाहिए, बल्कि कभी भी देवताओं को नहीं करना चाहिए। मंद धूप जो है, मंद धूप के कार्य जो है वो कुछ प्रकार के जो है ये जो यक्षिणी कार्य होते हैं, यानी कि कुछ जो है ये निम्न तरह के कुछ ये भूत आदि इस प्रकार के कुछ विषय होते हैं, भूत आदि के कुछ आहुति होते हैं, तो उसमें जो है वो मंद धूप जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि साल के अगर आप पेड़ देखेंगे, साल निर्यास जिससे मिलते हैं, ये जो धुना जहाँ से मिलता है, तो सूर्य धूप वाले जो धुना सूर्य धूप वाले जो पेड़ होते हैं ना, वो पुराने वाले साल के होते हैं, पुराने वाले साल के होते हैं। और उस पेड़ के पास आप जाएंगे तो उसमें एक अलग सा सुगंध टाइप का मिलता है। पर मंद धूप जिस पेड़ आदि से मिला करते हैं, वैसे तो पीले वाले, सफ़ेद और काले वाले राल एक पेड़ से ही मिला करते, पर जो सूर्य धूप होता है, मतलब जिस पेड़ से जो है पीले वाले राल जो है सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, वो वाले पेड़ जो है साल निर्यास जो है वो एकदम देखिएगा अलग टाइप का। मुझे एक वीडियो एक बार एक जन ने भेजा था और उसके साथ साथ जो है उसके फोटो भेजा था, तो वो वाले साल के जो वृक्ष होते हैं ना वो पूरा अलग होते हैं। और जिसमें से काले वाले मतलब वार्निश आदि के लिए जहाँ से जो है धूप मिलते हैं, वो वाले एकदम अलग टाइप के पेड़ होते, दोनों अलग टाइप के पेड़ होते, देखने से ही पता चल जाता है। तो सूर्य धूप जो है, सूर्य धूप श्री नारायण की पूजा में अवश्य रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। कालिका पुराण में कहा गया है, न यक्ष धूपम वितरेण माधवाय कदाचन। यक्ष धूप माधव को देने के लिए मना किया गया है। जो भूरे वाले काले वाले उसमें जो यक्ष धूप क्या होता है, भूरे वाले काले वाले उसमें मूलता रहता है, मतलब मंद धूप रहता है। उसमें जो सफ़ेद धुना होता है उसका भी मिक्स होता है, पर उसमें मेनली जो होता है मंद धूप ही उसमें रहता है और उससे ही जो है आहुति आदि दिए जाते। असल में हमारे जैसे देव कार्य आदि होते हैं तो उस प्रकार से जैसे भूत शुद्धि आदि भी किए जाते। पूजा में आप लोगों ने देखा है ना कि भूत शुद्धि आदि भी किए जाते, सरसों आदि के साथ मांस भक्त बलि दिए जाते असुरों को, मतलब देवताओं की भी पूजन के लिए एक विधि आदि है। उसी प्रकार असुरों के लिए, भूत पिशाच आदि के लिए भी जो है एक पद्धति है, एक पद्धति जो है वो भी किया जाता है। तो यक्षिणी कुछ कार्य में जो है ये यक्ष धूप इस्तेमाल किए जाते हैं। और
ये यक्ष धूप जो है, यानी कि मंद धूप जो है, ये कभी भी माधव को नहीं देना चाहिए। माधव को ही क्यों, किसी को नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए। देवी को वृक्ष धूप बहुत प्रिय है, माधव को सुर धूप जो है वो आप दे ही सकते। सुर धूप जो है वो वृक्ष धूप है, माधव को वृक्ष धूप प्रिय है, तो वृक्ष धूप आप जो है श्री माधव को दे ही सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सुर धूप यानी कि पीले वाले जो राल होंगे वो आप माधव को, यानी कि आप श्री नारायण की पूजा में अवश्य रूप से इस्तेमाल करिए दोस्तों। गुग्गुल के साथ सुर धूप यानी पीले वाले राल, पीले वस्तु जो है श्री नारायण को बहुत प्रिय है, तो सुर धूप जो है, जो देवताओं के धूप है, गंधाढ्य सुर भोजन, वो कैसे जो है श्री माधव को यानी श्री नारायण को पसंद नहीं होगा, क्यों जो है उसमें निषेध होगा। शास्त्र में उसके निषेध नहीं है, शास्त्र में जिसके निषेध है वो जो है वो यक्ष धूप यानी कि मंद धूप। अब मंद धूप भी निर्यास धूप ही है। असल में लोगों का क्या होता है कि लोग सोच लेते शाल निर्यास, तो शाल निर्यास मंद धूप भी है, सूर्य धूप भी है, दोनों धूप ही साल से ही मिलते हैं, साल के निर्यास ही है। तो अगर हम कहते कि साल निर्यास, तो इससे जो है पूरी तरीके से स्पष्टता नहीं होती है। उसमें सूर्य धूप मंद धूप ये विषय जो है समझने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों ही जो है वो साल निर्यास ही है। तो सूर्य धूप जो कि पीले वाले राल है, वही जो है हमें श्री नारायण की पूजा के लिए और सभी पूजा के लिए जो है दोस्तों इस्तेमाल करता है। जो लोग एक्चुअली बोल रहे हैं कि शाल निर्यास जो है नारायण पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि जो मंद धूप मिल रहा है वो भी साल से ही मिल रहा है, वो भी साल की पेड़ से ही मिल रहा है, पर मंद धूप यानी कि काले वाले राल जो है वो इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, और केवल सूर्य धूप जो है यानी कि पीले वाले राल ही जो है वो केवल मात्र नारायण पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। असल में क्या होता है, जो देवी पूजन आदि होता है उसमें देखिएगा, थोड़ा बहुत जो है आजकल पीले धूप आदि के साथ थोड़ा बहुत जो भूरे जो थोड़े धूप होते हैं, मतलब पीले वाले धुना के साथ जो है थोड़ा भूरे वाले जो है ना, वो थोड़ा उसमें गोटा वाला अगर आप खरीदते तो उसमें थोड़ा मिला देते हैं, क्योंकि समझ सकते हैं आप जो है आज के समय में जो है पूरी तरीके से अगर जो है वो वाले, मतलब पूरा अगर सुर पीले वाले महंगे वाले राल देते हैं तो कुछ लोग जो है दाम सुन के ही कहेंगे कि नहीं हम दोबारा नहीं लेंगे इस प्रकार का, तो उसमें थोड़ा बहुत जो है उसमें वो मिलाया जाता है। तो ये आपका दायित्व है कि आप जो है वो काले वाले जो भी सारे, मतलब काले वाले तो नहीं होते, भूरे वाले होते, तो भूरे वाले जो है कम से कम नारायण पूजा जब हो रही है तब जो है वो भूरे वाले जो है वो आप हटा कर रखिए, हटा कर जो है वो आप रखिए दोस्तों, और केवल मात्र जो सूर्य धूप यानी कि पीले वाले जो राल है उससे ही जो है आप जो है श्री नारायण की धूप करिए। तो साल निर्यास जो है जो मना है वो मंद धूप के लिए है, सूर्य धूप साल निर्यास के बारे में कोई मना नहीं है। आप जो है पीले राल पीत वर्ण की धुना यानी कि सूर्य धूप से जो है श्री नारायण को अवश्य रूप से जो है धूप कर सकते, उनकी धूप आरती कर सकते। हर चीज के ना अच्छे और बुरे होते हैं, जैसे गूगल के भी, गूगल के जो निर्यास होते हैं उसके भी जो है एक काले वाले होते हैं दोस्तों, तो वो वाले गूगल भी इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। गूगल के जो सही वाले प्रकार होते उसका ही इस्तेमाल होता है, सभी वाले गूगल जो है वो धूप के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो ये सारे विषय जो है थोड़ा सा हमें, हम अगर समझे तो हमारे मन में किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं रहता है। हम क्या सोचते हैं, अगर कोई हमें कहता है कि साल निर्यास जो है वो नारायण पूजा के लिए इस्तेमाल करना मना ही है, तो हम सोच लेते हैं कि हाँ साल निर्यास फिर तो धुना भी है, पर साल निर्यास जो है वो सूर्य धूप यानी कि पीत वाले धुना भी है और मंद धूप यानी कि काले वाले धुना भी है। तो मंद धूप जो है वो निषेध अवश्य रूप से है, पर सूर्य धूप यानी कि पीले वाले राल जो है कोई भी देवता की पूजा के लिए मनाए नहीं है। आप सूर्य धूप से जो है श्री नारायण की, श्री लक्ष्मी नारायण की, माता रानी के, भगवान शिव के सभी के पूजन जो है, श्री गणपति बप्पा की सभी के पूजन जो है आप सूर्य धूप यानी कि पीत वाले जो है
धूप से आप कर सकते हैं। कालिका पुराण के जिन लोगों ने आप लोगों ने मुझसे पूछा था, कालिका पुराण में यक्ष धूप के बारे में कहा गया है। ये यक्ष धूप जो है ये साल निर्यास के ये मंद धूप है, यानी कि जो यक्षिणी कार्य आदि में आहुति दिए जाते हैं, सूर्य धूप के विषय में वो नहीं है दोस्तों। सूर्य धूप जो है आप अवश्य रूप से नारायण पूजा में, जनार्दन की पूजा में आप अवश्य रूप से जो है उसका प्रयोग करिए। जनार्दन देखिएगा, सूर्य जनार्दन को निवेदन करने के लिए कई जगह पर सूर्य धूप की आहुति धूप हवन आदि में या फिर धूप आरती आदि में सूर्य धूप का उल्लेख मिलता है। पीतवर्ण की शर्यरस, पीतवर्ण शर्यरस, पीतवर्ण शर्यरस यानी कि ये सूर्य धूप यानी कि पीत वाले धुना ही है दोस्तों, तो वो आप श्री नारायण को अवश्य रूप से दे सकते, कोई समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है ये वाले कन्फ्यूजन आप लोगों का जो है दूर हो गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।